हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके हाथ पैरों को घर पे ही मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। एकदम शैम्पू में ये चीजें मिला के ऐड करके आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से पार्लर जैसा आपके हाथ पैरों पे ग्लो आएगा और एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को जरूर बना के ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। उसको हमने तैयार करने के लिए इस रेमेडी को हमने ले लिया है, एक गिलास पानी का ले लिया। इसमें डाल देंगे हमने ग्रीन टी ले लिए हैं। तो ग्रीन टी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है ये। तो ये हम पीते हैं तो इसको ग्रीन टी को, वो भी हमारे अंदर स्किन में बहुत ही अच्छे से ग्लो लाती है। और आप इस तरीके से रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये अंदर से बिल्कुल क्लीन करती है जो भी दाग धब्बे होते हैं, या हमारी स्किन है जो बहुत ही काली अगर निशान रहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन करती है ये। दूसरी चीज़ इसमें डाल देंगे नींबू। तो नींबू के थोड़ा सा इसमें रस डाल देना है, जो भी इसका छिलका है उसको भी डाल देना है। आप इस तरीके से आपको इसको बॉईल करके आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ पैरों की गंदगी इतनी मिनटों में साफ हो जाएगी। सालों से जमी मिनटों में ये गंदगी साफ हो जाएगी तो आप खुद देख के इसका रिजल्ट चौंक जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें गर्म पानी में इसमें डाल दिए हैं गर्म पानी और नींबू को, इनको अच्छे से हम बॉईल कर लिए। देख सकते हैं अच्छे से इसका न्यूट्रिशन है जो उसको पानी में चला गया, आप देख सकते हैं खुद ही इसका कि कितना अच्छा रिजल्ट है। तो अब इसमें डाल देंगे, इसमें कोलगेट ले लिया हमने। कोलगेट भी हमारे हाथ पैरों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये। आप चाहो तो गर्म पानी कर सकते हैं या इसको बॉइल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे एलोवेरा जेल और ये ले लिया हमने शैम्पू। तो शैम्पू आप कोई से भी ले सकते हैं, जो भी यूज करते हैं वही शैम्पू ले सकते हैं। तो इसको डाल के हम इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे हाथ पैरों पे सालों से जमी गंदगी को इतनी मिनटों में साफ करेगी। ये रेमेडी है जो, तो नींबू के आपने कई फायदे सुने होंगे। इस तरीके से बॉइल करने से अगर बर्तन साफ हो जाते तो हमारी स्किन तो क्या चीज़ है, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को और इसको ठंडा होने के बाद में आपको इसको अच्छे से आपके हाथ पैरों को धुल लेना है। आप अगर इसमें साबुन शैम्पू मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इसी टाइम मिलाकर आपको इसी तरीके से क्लीन करना है। हल्के हाथ से आपको इसको रब करते हुए साफ करना है। जो भी अगर हाथ या पैर कहीं पर भी अगर कालापन है या चेहरे पर, तो आप इसको कॉटन की सहायता से आप इसको लेकर आपके हाथ पैरों को क्लीन कर सकते हैं। बट इसमें नींबू की मात्रा ज़्यादा है तो चेहरे के लिए आप इसको ना यूज़ करें। हाथ पैरों को या शरीर को जहाँ पर भी आपको करना है इसको ट्राई तो कर सकते हैं, आप चेहरे के लिए थोड़ा इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें नींबू की मात्रा ज़्यादा हो गई तो कई लोगों को नींबू सूट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इसको छान कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और आपको कोई भी बड़ा बाउल में डाल के इसको आप अपने हाथ पैरों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये रेमेडी देखिए इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर और फॉलो करें। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है। तो आप इसको गर्म को बिल्कुल भी ना यूज करें। गर्म को अगर यूज करोगे तो स्किन में है जो अच्छे से इसका ग्लो नहीं आएगा और आपके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे गुलाब जल। तो ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इससे आप हाथ पैरों को बिल्कुल अच्छे से चमका सकते हैं, आपके हाथ पैरों को एकदम गोरा बना सकते हैं। और ये छोटी सी रेमेडी आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को मालूम नहीं रहता है ये हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदा करती है ये। तो नींबू भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। ग्रीन टी तो है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी स्किन के लिए, ये पीने के लिए भी बहुत ही हेल्दी होती है हमारे स्किन के लिए। अगर आप इस तरीके से इसका जो न्यूट्रिशन निकाल कर आप इससे स्क्रब या चेहरे पे आप केवल नॉर्मली ग्रीन टी डाल कर आप रोज़ इसकी मसाज करके सोएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसमें आपको कोई चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको हाथ पैरों को साफ कर लेना है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कितनी गंदा इसमें अच्छे से इसका जो भी मैल है जो छूट जा रहा है इस तरीके से। तो
इसी तरीके से आपको हाथ या पैर जहाँ पर भी गंदा है तो वहीं पे आप इसको, अगर गर्दन पे भी आपके काला निशान है तो गर्दन पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और जो भी अगर कोई डाउट लगे वीडियो में तो आप हमारे को कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे आपको कौन सी रेमेडी या रेसिपी पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।